हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपके पास खूब सारे पैसे हो आप बसम बिहार में, तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सरिता और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सरिता केंद्रा में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह गाड़ी ना आज रुक रखी है और ये मुझे ना अभी सही करनी है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह 6 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक में। तो आजकल सुबह के टाइम में थोड़ा ठंडा हो रखा है, तो चलिए मैं फ्रेश अप हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। मुझे अभी करनी होगी सही, इसको मैं अभी सही कर देती हूँ क्योंकि ना रुकी हुई घड़ी अच्छी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैंने घड़ी ठीक कर दी है और देखिए अब आप यहाँ का मौसम। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जो है लेट में उठने से जो है मॉर्निंग की काफ़ी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। आप अभी सुन सकते हो मेरे बैकग्राउंड में चिड़िया की किस तरह से आवाज़ आ रही है और साइड में डॉग भी बार्किंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों के साथ जो है दिन भर का इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि हम खुद के लिए ना टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो एक मॉर्निंग का ही टाइम ऐसा होता है जिस टाइम हम खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये टाइम मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आजकल ना मौसम ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, जा रही हूँ मैं मॉर्निंग वॉक में और हस्बैंड नहीं आ रखे हैं क्योंकि फिर बेटा उठ जाता है, वो कल भी उठ गया था जल्दी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप धूप भी ना आने ही वाली है और अच्छा मौसम लग रहा है आज। और ये देखिए एक चिड़िया है, इसको हमारी ना गढ़वाली भाषा में घुघुती बोलते हैं। तो आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। और ये आ गई हूँ मैं स्वामी विवेकानंद पार्क में। देखिए यहाँ पे पीपल का पेड़, किसी ने यहाँ पे दीपक दे रखा है तो काफी अच्छा लग रहा था देखने में। और देखिए पार्क में भी ना काफी बड़ा पार्क है और यहाँ पे गर्मियों में हम लोग आते हैं बच्चों को लेके यहाँ पे, पर आजकल बरसात के टाइम पे यहाँ पे काफी घास हो रखी है। वैसे घास भी साफ होने ही लग गई है, देख सकते हो आप साइड साइड से घास निकाल दी है। आपको बसंत बिहार में इस तरह के ना छोटे छोटे पार्क दिखेंगे क्योंकि अभी तक जो मैंने देखी तो 4 पार्क तो मैंने ही देख लिए। और अच्छा है यहाँ का एरिया। अगर आपके पास खूब सारे पैसे हो आप बसम बिहार में, वैसे यहाँ पे आपको ज़मीन नहीं मिलेगी शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि। और यहाँ पे मेन पता क्या है, यहाँ पे ना जो रोड है ना, वो जिसने भी पहले ही प्लॉटिंग करी होगी 20 या 25 फीट तक की रोड ना आपको आराम से मिल जाएगी। और मेन है यहाँ का ना हरा भरा सा खूब रहता है इधर, आज शायद इसीलिए यहाँ का नाम बसंत बिहार है। तो चलिए मिलती हूँ आपको घर जाते टाइम। और ये ना चलते टाइम मेरी नज़र पड़ी है, देखिए यहाँ पे ले स्टाइल वोमेन क्लोथ एंड होम डेकोर स्टोर है ना, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ना कुछ दिन पहले ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आप जहाँ पे रहते हो आपका अपना घर है कि रेंट पे। फिलहाल गवर्नमेंट क्वार्टर में हम, तो वैसे अपने ही घर समझ लो उसे, जब तक वहाँ पे वो अपने ही घर है। तो मैं आ गई हूँ घर, दिखाती हूँ आपको भी टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं इसके बाद आपको। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी मुझे प्याल कर लो। कोई नहीं करता मुझे प्याल, यहाँ चिक्स पे करो, नहीं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अभी उठता है उसको मैं एक बनाना और कुछ स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ खाने के लिए, और इसके बाद जो है मैं उसको थोड़ा नहला दूंगी। अभी आपने क्या करी? और ये नहा गया अभी और मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है। आपने क्या दे देती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, इनका टिफिन हो गया है तैयार, तो फिर मैं खुद भी नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। ओके, तो फ्रेंड्स नहाना धोना तो हो गया है और ना अब संडे या मंडे से लगाओ काफी अच्छी धूप आ रही है बाहर और अभी भी ना बहुत प्यारी। फ्रेंड्स मैं नहा के भी आ गई और मेरा मेकअप भी हो गया और ये देखिए ना मेरे फर्श पे अभी भी बहुत काई जम रखी है। और मैंने श्याम को बोला है इनको ब्लीचिंग पाउडर लाएंगे ऐसा, तो फिर साफ कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ना कपड़े डाल दिए हैं बाहर, बहुत तेज़ धूप हो रही है बाहर आजकल। और
हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अनन्या। और गाइस, आज मेरा एग्ज़ाम लास्ट था कंप्यूटर का, तो वो फिनिश हो गया। तो फिर आज फिनिश हो गया, फिर कल से नॉर्मली स्कूल जाऊंगी। और बस चलते हैं। अभी ना हमारा घर, मतलब घर पे कुछ सामान नहीं था ना, तो हमें लाना था, तभी हम शॉप पे जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी और अभी भी चल रहे हैं। और मैं थक गई हूँ, अब मिस्ट की चांस। और मिस्टी के हो गए हैं एग्जाम पूरे, तो आज से मिस्टी का रेस्ट तो फ्रेंड्स, अभी हस्बैंड नहीं थे घर पे और मुझे चावल चाहिए थे दिन के लिए, तो मैं यहीं से 1 किलो चावल लेके आई। वैसे मैं जहाँ से सामान लेती हूँ, मैं आपको ले जाऊंगी उस शॉप में, काफी बड़ा स्टोर है और बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये देखिए, पीछे बच्चों ने शोर मचा रखा है। और जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगी आप कहीं घर से बाहर आपको कहीं और दिखाऊं, क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे मेरे घर के ये सब चीज़ें देख देख के, तो कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।